नमस्कार दोस्तों, आपका अपना भाई रॉय बोल रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब किंग्स के बारे में। सबसे पहले बड़ी न्यूज तो ये है कि जॉनी बेयरस्टो बाहर हो चुके हैं और पंजाब को एक बड़ा झटका लग चुका है। दोस्तों, पंजाब की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उनकी प्लेइंग 11 होगी, क्या टीम में चेंजेस नजर आते हैं, वो सब कुछ आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप आईपीएल में मैच प्रेडिक्शन जानना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो +9193760776 07 7607। यहाँ पर आपको आईपीएल से रिलेटेड ऑल अपडेट दिए जाएंगे। अब बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों पंजाब किंग की जो कप्तानी है वो शिखर धवन करते हुए नजर आएंगे और जॉनी बेयरस्टो बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह पर मैथ्यू शॉर्ट आ गए हैं टीम के साथ में। जो इनके हेड कोच है वो है ट्रेवर, असिस्टेंट कोच जो है ब्रैड हेडन है, वहीं बैटिंग कोच जो है वसीम जाफर है। होम ग्राउंड जो होगा इनका मोहाली और धर्मशाला है और जो ओनर है इनके नेस और प्रीति जंटा। अब बात करते हैं, अगर आप आईपीएल में पैसिव इनकम करना चाहते हो तो आप ओएसजी पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बोनस दिए जाते हैं पर आपका पैसा बहुत ज्यादा सेफ रहता है। बात करते हैं इनके फुल स्क्वाड के बारे में तो शिखर धवन कप्तानी करेंगे, उनके बाद राजा पक्षा, शाहरुख खान, हरप्रीत, ऋषि धवन, लियाम लिविंगस्टन, अथर, राजबाबा, सैम पूरन, सिकंदर रजा, मोहित, मैथ्यू शॉर्ट, जितेश शर्मा, सिमरन सिंह, हरप्रीत ब्रर, राहुल चहर, बलतेज सिंह, नाथन इलाइस, रवाड़ा, अर्शदीप सिंह और विद्वान, ये इनका फुल स्क्वाड रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं टीम की प्रीव्यू के बारे में। टीम के टॉप ऑर्डर की बात करें तो वो तो काफी अच्छा नजर आ रहा है, शिखर धवन के साथ राजा पक्षा या फिर मैथ्यू शॉर्ट। वहीं उसके बाद मिडल ऑर्डर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, एक लिविंगस्टन है जो काफी अच्छा नाम है, उसके बाद जितेश शर्मा, हरप्रीत, अथर और सिमरन सिंह, तो कुछ खास प्लेयर नजर नहीं आ रहे हैं इनके मिडल ऑर्डर में। वहीं टीम के जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो शाहरुख खान, सिकंदर रजा, सैम पूरन और राजबाबा, ये टीम की स्ट्रेंथ है। वहीं बात करते हैं इनके स्पिन अटैक की तो वो भी काफी अच्छा है, राहुल चहर, हरप्रीत ब्रर और मोहित। वहीं फास्ट बॉलिंग अटैक की बात करें तो अर्शदीप सिंह, रबाड़ा, नाथन इलाइस, ऋषि धवन, विद्वार और बलतेज सिंह। ओवरऑल टीम देखी जाए तो एक तरीके से बैलेंस टीम है, ऐसा नहीं कह सकते कि टीम बहुत ज्यादा अच्छी है या टीम बहुत ज्यादा बेकार है, टीम बैलेंस है। हाँ, तीसरे या चौथे नंबर पर आईपीएल में रह सकती है जब लीग स्टेज के मैचेस खत्म हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने टिपिकल इसलिए किया है क्योंकि लास्ट के जो वीडियोस थे उसमें लोगों ने ये कहा कि सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत से लोगों के आंसर सही हो रहे हैं तो मौका नहीं मिल पा रहा है सब लोगों को, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने टिपिकल कर दिया आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पंजाब किंग में लियाम लिविंगस्टन इस साल कितने छक्के मारेंगे और जो सबसे लंबा छक्का होगा वो कितने मीटर का होगा उनका, तो जाइए कमेंट करिएगा। वही बात करते हैं इनकी प्रोबेबली प्लेइंग 11 के बारे में। दोस्तों, शिखर धवन के साथ मैथ्यू शॉर्ट या फिर राजा पक्षा, इनमें से कोई एक प्लेयर ओपनिंग करता हुआ नजर आएगा। अगर वो मैथ्यू शॉर्ट के साथ जाते हैं तो यहाँ पर उनके पास बॉलिंग में एक ऑप्शन बढ़ जाता है क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट है, वो बॉलिंग भी अच्छी करा लेते हैं। उसके बाद जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, शाहरुख खान, सैम पूरन, राजबाबा या फिर हरप्रीत भाटिया, ऋषि धवन या फिर हरप्रीत ब्रर में से कोई एक खेल सकता है, वही राहुल चहर, रबाड़ा और अर्शदीप सिंह। दोस्तों, यहाँ पे जो इनका ओपनिंग में जो ऑप्शन था राजा पक्षा या मैथ्यू शॉर्ट, अगर दोस्तों वो राजा पक्षा के साथ में जाते हैं तो वो नीचे हो सकता है कि बॉलिंग में चेंजेस करे, लेकिन अगर वो मैथ्यू शॉर्ट के साथ जाते हैं तो वो नीचे जहां पर ऑप्शन था राजबाबा और ऋषि धवन, उनमें से किसी जगह पर एक प्रॉपर बैट्समैन खिला सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये जो उनकी टीम होगी ये परफेक्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है पहले मैच के लिए। मैथ्यू शॉर्ट के साथ में शिखर धवन ओपनिंग करते हुए नजर आए, उसके बाद जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, हरप्रीत, शाहरुख खान, सैम पूरन, ऋषि धवन, राहुल चहर, रबाड़ा और अर्शदीप सिंह, ये इनकी परफेक्ट प्लेइंग 11 है जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है इस आईपीएल अगर ये टीम खिलाते हैं शिखर धवन तो। वही बात करते हैं इनके शेड्यूल की, तो इनका जो पहला मैच खेला जाएगा 1 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर के साथ खेला जाएगा, बाकी मैचेस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको क्या लगता है, पंजाब किंग इस साल सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंच पाएगी या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो दिल से लग रहा है ये टीम तीसरे नंबर पर खत्म करेगी लीग स्टेज के मैचेस में। दोस्तों, जाइएगा इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिएगा जो पंजाब किंग्स के दीवाने हैं।